फिर से दोस्तों स्वागत है आप सबका स्पेशल इवनिंग ब्लॉग में। मैं आपका दोस्त पूजा स्वागत करती हूँ आप सभी के मेरे चैनल पर। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब, उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे। और मेरी आज तबीयत ख़राब हो गई है। वो कहते हैं ना, चिंता और चीता में बस एक ही बिंदु का फ़र्क है, तो बात सही है। तबीयत आज मेरी इतना ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। अभी सुबह का देखिए एक बज चुका है, सुबह तो नहीं दोपहर है, दोपहर का एक बज चुका है, अभी तक कुछ भी नहीं कर पाई। और मैं आजकल क्या अपने आप को मतलब समझा रही हूँ कि समझ नहीं पा रही हूँ, ये तो नहीं पता। ऐसे कह रहे हैं कि मुझे रिश्ता निभाना नहीं आता है, तो मैं समझ नहीं पाती हूँ कि मतलब रिश्ता कैसे निभाया जाता है। मैं मतलब जब एक बात बताइए, एक इंसान यानी मेरे पति दो बच्चों के साथ में, एक इंसान यानी मेरा जो पति है वो दो बच्चों के साथ में मुझे इस तरह मरने के लिए छोड़ दिया गया है। कल रात से तबीयत मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, फीवर हो रही है और फीवर के साथ साथ कोल्ड हो रही है, खांसी जुकाम बहुत ज़्यादा हो रही है। तो ऊपर से दो बच्चे और मेरा कोई नहीं है, तो समझ नहीं आ रहा है कि जब इंसान मरने के लिए छोड़ देता है, ऊपर से कहता है कि मुझे रिश्ता निभाना नहीं आता, तो रिश्ता कैसे निभाया जाता है। इस तरह निभाया जाता है कि दो बच्चों के साथ में छोड़ के जाते हैं, ऊपर से पैसे वगैरह हाथ खर्चा कुछ भी नहीं है, बच्चों का खर्चा नहीं लगती है। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बताइए मैं कैसे दिखाऊं। ऊपर से कह रहा हूँ रिश्ता निभाना नहीं आता। जब तक मैं आपकी फैमिली के साथ में थी, जब तक मेरी सासू जिंदा थी, मैंने हर संभव प्रयास किया रिश्ता निभाने का। एक बात बताइए, रिश्ता कैसे निभाया जाती। एक औरत चाहे अपनी ससुराल के लिए कितना कुछ कर लेना है, चाहे जी जान लगा दे, उसका कोई नाम नहीं होता। और मुसीबत के टाइम उसे कहते हैं ना, दूध में से मक्खी निकाल के फेंक देता है, तो उस तरह से फेंक दिया जाता है। जब मतलब टाइम आता है तो उसका बुरे टाइम आता है, जब पति साथ देना छोड़ देता है और पीयर में कोई होता नहीं है ना, तो उसे दूध में जिस तरह मक्खी को फेंक देता है उसी तरह निकाल के फेंक देता है कि मरो चाहे कुछ भी हो जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता उन लोगों को, क्योंकि उनका तो मैं कुछ हो ही नहीं ना। और खास करके तब जब अपना आदमी इस तरह निकल के फेंकता है तो दूसरा बचाने वाला भी कोई नहीं आता है, कोई भी नहीं आता है। जब मैं शादियों के आई थी तो मेरी सास ठीक थी, चाहे वो कैसे भी नेचर की थी, कैसे भी थी, ठीक थी। और एक दिन मतलब मेरे पास उनका फोन आता है कि पूजा मतलब मुझे बात करनी है। तो फाइनली मैंने भी उनका कॉल रिसीव किया, उनसे बात किया। उस टाइम मैं जॉब करती थी, बहुत बुरी तरह रोने लगी, ऐसे रोने लगी कि मतलब बहुत बुरी तरह रोने लगी, तो मैं समझ नहीं पाई। तो मैंने पूछा कि है ना माँ क्या हुआ, तो कहता है मुझे ना यहाँ नहीं रहना, तेरे पास जाना है। तो मैंने कहा ठीक है आ जाओ। तो मैं अपने पास यहाँ पे लेके आई, और यहाँ पे लाने के बाद में उस टाइम मैं ऊपर रहती थी, चौथी मंजिल पर फ्लैट था मेरा, तो ऊपर रहती थी। उस टाइम वो आए, आने के बाद में आपको पता है सिटी का कंडीशन कैसा है, यहाँ पे कोई किसी से बोलते नहीं है, कहीं घूमने नहीं जाता है। और वो 60 साल प्लस थी तो ऊपर नीचे उनसे होया नहीं जाता, क्योंकि अगर नीचे आते वो चिटकनी लेके आते थे तो उनके कमर में मतलब गोडे में जैसे पेन होता था, नीचे आते थे चिटकनी के सहारे आते, फिर ऐसे चढ़ते तो उनको तकलीफ होती थी। मतलब नीचे आए तो ऊपर नहीं जा सकते, ऊपर रहे तो फिर नीचे आने में परेशानी होती थी, रोज़ रोज़ नहीं कर पाते थे। और उनके साथ बात करने के लिए कोई नहीं था, मैं ड्यूटी चल जाती थी, मेरा पति ड्यूटी चल जाते थे, उस टाइम बच्चे वगैरह कुछ नहीं थे। तो मैंने रखा जितने दिन मैंने रखना था, थोड़े दिन मैंने रखा। उसके बाद में इनके घर वालों की तरफ से फ़ोन आया कि अब मतलब घर पे वो भेज दो, बहुत ज़्यादा वो करने लगे। तो फाइनली हमने घर पर भेज दिया। घर पर जाने के बाद में उन्हें लूज़ मोशन हुआ, लूज मोशन मतलब इतना ज़्यादा हुआ कि क्या पता क्या मतलब प्रॉब्लम हो गई थी, तो लूज मोशन जो हुआ वो रुक ही नहीं रही थी। तो फिर सब मिलके बड़े हॉस्पिटल में दिखाया उनको, लेकिन उनका लूज मोशन तब भी ठीक नहीं हुआ। तो फिर हमसे जितना पैसा बन पाया था, थोड़ा मोड़ा जो भी है, हमने दिया था, क्योंकि उस टाइम मैं भी काम करती थी, मेरा आदमी भी काम करते थे, तो उस टाइम वो ठीक थे, तो पैसा मैंने भी दिया, उनके तनखे में से थोड़ा थोड़ा दिया। तो पैसा वगैरह लगाने के बाद में वो ठीक हो गए, फिर घर गए। घर जाने के बाद में वापस उनका बीमारी स्टार्ट हो जाती है, और वापस उनको हॉस्पिटल लाया जाता है, तो उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है उस टाइम। फिर मतलब डॉक्टर जवाब दे देते हैं, फाइनली घर जाते हैं, वो महीने डेढ़ महीने घर पे रहते हैं, बिस्तर में पड़ा।
उसके बाद में मेरे पास कॉल आता है, तो मैंने मेरे पति से कहा था मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना मुझे उनका हिस्से का कुछ भी चाहिए, तो मुझे बस इतना सा है मैं उनका सेवा पानी करना चाहती हूँ, मैं गांव जाना चाहती हूँ। तो मेरा पति ने कहा था ठीक है, लेकिन घर वालों की तरफ से कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते थे कि मैं गांव में जाकर उनका सेवा करूँ, तो फाइनली उन लोगों ने मना किया, तो इस वजह से फिर मैं नहीं गई, नहीं तो मैं जाने के लिए पूरा श्योर थी। और इस बात से मेरा आदमी भी मना नहीं कर सकता कि मतलब मैंने ये बात बोला था, तो मैं उनके लिए सेवा के लिए तैयार थी पूरी तरह से। तो एक सासू को, एक फैमिली को, एक परिवार को कैसा बहू चाहिए? जब मैंने कह दिया मुझे उनका संपत्ति से कुछ भी नहीं चाहिए, एक फूटी कुंवारी भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, बस मैं उनका सेवा पानी करना चाहती हूँ, बदले में मुझे कुछ नहीं चाहिए, जाने के लिए तैयार थी, उन लोगों ने मना कर दिया, नहीं जा पाई। फाइनली मेरे सास एक डेढ़ महीने बाद जो है ख़त्म हो गए। तो इतना कहने के बाद, इतना करने के बाद, और भी मैंने बहुत कुछ ऐसे काम किए जो कि मतलब नहीं बता सकते। मैंने नहीं लिया कुछ भी उन लोगों से, और मैं चाहती तो हक के लिए लड़ सकती थी, लेकिन नहीं लड़ी, कोई मतलब नहीं है। जब इंसान खुशी से कोई चीज़ देना नहीं चाहता तो लड़के क्या हासिल कर लेंगे, और ख़ास करके तब जब अपना आदमी भी इस तरह के हो तो फिर क्या मतलब है। तो इतना करी, इतना करने के बाद भी क्या बन गई, मैं बहू बन गई। यानी कि एक इंसान फ्री में सेवा करना चाहती है, उसका लेटरिन भी सब साफ करना चाहती है, अगर एक बड़े बुजुर्ग इंसान बिस्तर में पड़ी हुई होती है तो इसका मतलब क्या है? बिस्तर में अगर कोई इंसान लेटरिन पेशाब करेगा, उसको साफ करने के लिए जाना चाहती हूँ, उनका सारा काम 24 घंटा उनके साथ रहना चाहती हूँ, खिलाना पिलाना सब कुछ, उसके बावजूद भी कहते हैं मुझे रिश्ता निभाना नहीं आता, मैं गलत हूँ, मैं औरत नहीं हूँ, औरत के नाम पर धब्बा हूँ। इस तरह आप लोग करोगे एक दिन करके बताना। और मैं ये कह रही हूँ पतिदेव जी, आप एक बार इस बात को सोच के देखो, जो आप कह रहे हो ना मुझे रिश्ता निभाना नहीं आता, मैं अच्छी औरत नहीं हूँ, मैं औरत बनने के लायक नहीं हूँ, तुम्हारे माँ के लिए नहीं बोला था मैंने, जाने के लिए तैयार नहीं थी मैंने, मैंने पैसा नहीं दिया मेरे जितने श्रद्धा में हुआ था, और आज मुझे मेरे हाल पर इस तरह से छोड़ दिया मेरे बच्चों को मरने के लिए, और ऊपर से इस तरह की बातें कर रहे हो। समय आने दो, समय सबका आता है, आज मेरा बुरा पल है, मुझे बुरा पल था और है, और देखूंगी कब तक रहे हैं, लेकिन आप तैयार रहना इस बुरे पल से लड़ने के लिए, क्योंकि सभी के लाइफ में मैंने सुना है आता है, किसी का पहले आता है तो किसी का बाद में आता है, लेकिन आता जरूर है। मैं तो तैयार हूँ, कर रही हूँ सामना, बस डर इस बात का लगता है अगर रात को या फिर कभी भी कुछ हो जाए ना तो मेरी बच्ची अनाथ हो जाएंगे, उन्हें संभालने वाला कोई नहीं है। और मुझे पता है अगर मुझे कुछ हो जाएगा ना, जैसे अभी हो गया, अगर कुछ अगर जरा सा या कुछ भी हो जाए ना, जैसे हार्ट अटैक वगैरह या कुछ भी आ गया, तो मेरे बच्चे इसी रूम में चार दीवारी में दम तोड़ देंगे तरफ तरफ कर, क्योंकि कोई ना तो उनको फोन करना आता है, ना तो उनको बात करना आता है, ना ही वो पहचानते हैं नंबर। मुझे नहीं पता मुझे किस कर्मों की सजा मिली है, भगवान ने मुझे किस कर्मों की सजा दी है, कुछ तो बुरा कर्म किए होंगे ना, इसके बदले मेरे मासूम बच्चों को सजा दी है। आज मेरी तबीयत इतनी बुरी तरह से खराब हो रही है, ऐसा मन कर रहा है सांस तक ना लूं, फिर भी जिम्मेदारियों के आगे इस तरह करना पड़ रहा है, तकलीफ हो रही है, आत्मा निकल के मुंह में आ रही है, लेकिन फिर भी कहते हो मैं औरत नहीं हूँ। औरत वो है ना जिसके साथ रह रहे हो, वही औरत एक दिन जरूर तुमको सुधारेगी, वही सुधारेगी। अब तो भगवान कहते हैं ना कि भगवान की लाठी में देर है, अंधेर नहीं, तो उसी की उम्मीद पर हूँ। भगवान है ना, एक दिन जरूर सुधरे, मैं ये जो पल पल तड़प रही हूँ ना, तुम भी तड़पो मेरी तरह।